तो बाइक्स कर दिए सारी घर के अंदर पार्क और हम चले एक और नए रोड ट्रिप पे। सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि आपने रीसेंट व्लॉग देखा था, कार मेरी हो गई थी एक्सीडेंट और उस व्लॉग को भी काफी दिन हो गए थे मैंने अपलोड नहीं किया था। तो मैंने कहा यार गाड़ी तो गई अब लंबे समय के लिए, तो अपने प्लान तो हम कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि एक कार का रोड ट्रिप प्लान किया था। तो मैंने सोचा था कि एक बाइक का ट्रिप मारेंगे, देन एक कार का मारेंगे, देन एक बाइक का, देन एक कार का। तो कार की बारी थी और कार की जब ट्रिप की बारी आई तो हमारी कार ही नहीं रही। बट चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कुछ बड़ा ही होना होता, वो छोटे में टल गया। तो अभी नई गाड़ी के लिए फास्टैग आ चुका है, पेटीएम से मैंने फास्टैग अपना ऑर्डर किया था नई गाड़ी। जी हाँ, हमने एक और गाड़ी परचेज करी है फॉर द बीइंग टाइम, जब तक हमारी गाड़ी रिपेयर होके नहीं आ जाती। मतलब ब्रांड न्यू तो नहीं ली बट प्री ओन्ड गाड़ी मैंने ली है। और चाबी आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, आप चाबी देखोगे तो बोलेंगे बाबा क्या कमाल कर दिया आपने। तो भाई चाबी देखो हमारी नई गाड़ी की, और यहाँ पे ह्युंडई की बैजिंग है। बट ये ह्युंडई की कोई ऐसी मतलब रिसेंट मॉडल नहीं है कि आप सोचोगे बिल्कुल कोई लेटेस्ट ऐसी गाड़ी होगी, गाड़ी पुरानी है बट मेरे लिए नहीं है। सोचा था बहुत दिनों पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले, कि एक छोटी गाड़ी भी ले लेंगे क्योंकि ब्रीजा को यहाँ लोकल में चला चला के बड़ी प्रॉब्लम होती है। यही सही टाइम है, गाड़ी अब गई हुई है तो गाड़ी एक और ले लेते हैं, उसी पर रोड ट्रिप पे हो आएंगे और कुछ बढ़िया हमारी उस पर वीडियोज़ भी बन जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और पहले दिखाते हैं आपको गाड़ी की, हमने गाड़ी कौन सी परचेज करी है। तो चलते हैं बाहर। तो ये कार खरीदी है हमने जो कि है ह्युंडई की आइटन, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में मेरे को मिल गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे। तो फ्लिप की वगैरह मैंने इसकी बनवाई, मैं कहा थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा स्टाइल में चलेंगे। तो भाई ये है फर्स्ट लुक हमारी गाड़ी की, अंदर से गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एक बार एसी चला लेते हैं। गियर नॉब देखो भाई पूरा बीटीआर टच। तो ये है जी गाड़ी जो कि हमने खरीदी है ह्युंडई की आइटन ब्रांड, आइटन से पहले वाली जो आइटन है वो वाली आइटन है, काफ़ी सही है। और काफ़ी सारे मैंने इस पर मॉडिफिकेशंस भी करा चुका हूँ क्योंकि मेरे को चलानी है तो भाई गाड़ी थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है बट अंदर जब कोई इंसान बैठे तो बोले हाँ भाई कहीं तो मैं बैठा हूँ, कोई बढ़िया गाड़ी है। सबसे पहले तो भाई ये कुछ अंदर से इसके लुक है, क्रीम एंड बेज एंड थोड़ा ब्राउन सा टच भी है। तो पहले तो इसके भाई मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर कराई हैं। मेन तो है भाई सीट, बकेट सीट्स, क्योंकि भाई सीट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने इन्हीं के ऊपर बैठ के ड्राइव करना होता तो इसके अंदर अगर कंफर्ट नहीं है, मज़ा नहीं है तो आप जो ड्राइव है वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपनी ब्रीजा में नहीं कर पाया था क्योंकि उसका गियर नॉब खुला ही नहीं, तो इसका खुल गया था तो इस पर मैंने लगा दिया बढ़िया सा ये दिखने वाला गियर नॉब। तो कुछ ऐसा ये दिखता है, और कमेंट में बताना कि आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो भाई पहले लगा लेते हैं फास्टैग, फास्टैग इधर लगा लेते हैं और भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे को। फास्टैग पहले लगा लेते हैं और उसके बाद इसका कराने चलते हैं पोल्यूशन। तो काफ़ी सही स्पीड में आ गया, मैंने कल ऑर्डर करा था और आज आ भी गया विद इन एक दिन के अंदर। नई गाड़ियों में तो फास्टैग लगा लगाया आता, कुछ नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं। पहली बार ज़िंदगी में प्री ओन्ड गाड़ी ली है मैंने और ये मेरी लाइफ की दूसरी गाड़ी है। और चिपका हुआ है, इसको पहले खोल लेते हैं फिर चिपकाते हैं। तो फास्टैग मैंने लगा दिया, ये लग गया हमारा फास्टैग और अब हम रेडी हैं कहीं भी जाने के लिए। भाई एसी के तो मैं क्या ही तारीफ करूं, बहुत ही बढ़िया एसी है जो कि मेरे को गाड़ी का बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा, छोटी सी गाड़ी है कहीं भी इसको डाल लो, कहीं भी पार्क खड़ी कर दो, छोटी सी गाड़ी है। ब्रीजा का तो पहले इतनी जगह दो फिर उसको संभाल के भी चलाना पड़ता है, लो प्रोफाइल 20 इंच उसके स्टैगर व्हील्स हैं और बस बाकी सब बढ़िया। तो डॉक्स हम उसके रखते हैं ओके, तो मिलते हैं आपको सीधा रोड पे। पोल्यूशन तो 5-6 दिन का बाकी है तो मैंने सोचा था इसको रिन्यू करा लेता हूँ, बट 3-4 पेट्रोल पंप पर घूम चुका हूँ, बहुत लंबी लंबी लाइन मिल रही है मेरे को। तो अभी एक और आसपास का तिलक नगर का देख लेते हैं पेट्रोल पंप, अगर वहाँ पे लाइन नहीं मिली तो करा लेंगे, नहीं तो हाईवे पे देखेंगे, हाईवे पे तो चलती फिरती गाड़ियों का फटाफट हो ही जाता है। तो
अभी आ चुका हूँ भाई घर। बहुत लंबी लंबी लाइन थी, दो दो घंटे की वेटिंग थी। मैंने कहा छोड़ो, अभी जितने दिन का बाकी है उतने दिन का सही, बाकी जब हम रोड पे निकलेंगे तो हाईवे पे जाके करा लेंगे अपना पोल्यूशन। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर और अभी कुछ ही देर में शायद हम निकलते होंगे। जाना कहाँ है आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। बाकी गाड़ी को एक बार ना पैक कर लेते हैं, यानी कि सामान को पैक करके गाड़ी में रख लेते हैं और जो जगह है बना लेते हैं, क्योंकि लगभग दो या तीन लोग हम रहने वाले हैं गाड़ी के अंदर और आइटन को लेके जाने वाले हम रोड ट्रिप पे। तो सामान करते हैं पैक कैंपिंग का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कैंपिंग का। ये मैंने कल ले लिया था, ये कॉम्पैक्ट वाला स्टोव। मैंने कहा बड़ा स्टोव तो अपने पास है ही, तो मैंने कहा ये छोटा वाला भी ले लेते हैं, बैग वगैरह में आ जाएगा और कहीं इंस्टेंट कुछ मौका लगा कुछ खाने का पीने का तो इसको निकाल के हम गैस के अंदर लगा के यूज कर सकते हैं। और अभी सारा कैंपिंग का सामान मेरे को घर से लाना पड़ेगा ऑफिस में, देन उसको सारा क्लीन सेटअप करके क्रेट वगैरह बॉक्स वगैरह में डाल के गाड़ी की डिक्की में देखना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा कितना सामान हम कैरी कर सकते हैं। टेंट में बड़ा वाला लेके जा रहा हूँ और शायद इस बार जरूर मौका लगे कि हम उस टेंट को यूज करेंगे। काफी टाइम हो गया और टेंट बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। अगर मैं इस वाले एरिया में लाऊं तो पूरा ये कमरा ना उस टेंट से कवर हो जाएगा, तो बोला हम टेंट भी ले जाने वाले हैं। बाकी सारा सामान मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ये रहा टेंट, ये रहा स्लीपिंग बैग, ये रहा कैंपिंग चेयर, ये रहा लगेज का बैग जो कि मैं लेने वाला हूँ। और ये अगर लगाने को कहीं मिल गया ना तो भाई मजा आ जाएगा। तो ये हैमक, इसको लगा लिया तो लाइव जिंगल आला, बढ़िया सी जगह पे लगाएंगे, गाड़ी साइड में खड़ी करेंगे, एक हाथ में जूस का ग्लास और इस पे टहलते टहलते पूरा व्यू एंजॉय करेंगे। तो बस 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 मौका मिला था, इसको जरूर यूज करेंगे। तो अभी सारा सामान तो यहाँ फाइनल चेक्स पे, नया वाला स्टोव मेरा चल रहा है, पुराना वाला भी चल रहा है और यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स मैंने साफ करके यहाँ रख दिए, बस इसको क्रेट में डालना बाकी है। हर एक नई शुरुआत के साथ हमारी हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ तो बिगड़ जाता है। तो अभी जस्ट मैं कैमरा चेक कर रहा था कि बैटरी ओके है, माइक वगैरह मैंने लगाया। जब चेक करा तो जो इसका जैक है, जो इस कैमरे का जैक है सोनी A7 III का, वो हो चुका खराब। तो मैं दुविधा में पड़ गया हूँ कि अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा है आईफोन या तो GoPro 9 मच बेटर है वीडियो क्वालिटी के मामले में। तो मैं सोच रहा हूँ GoPro Hero 9 Black अपना ले चलते हैं, इससे सारी व्लॉगिंग वगैरह करेंगे। इस बार जो व्लॉग रहेंगे GoPro Hero 9 से रहेंगे, ऐसा मैंने सोचा था, बट ऐसा अब हो गया क्योंकि माइक का इसका जो जैक है खराब हो चुका है। और ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है, हम बताते नहीं है व्लॉग में, बट इसका थोड़ा इशू रहता है। सीन ऐसा है, सारा सामान पैक है तो ये सब सामान बैग में चले जाएगा। और यहाँ पे कुछ मैं डाटा कॉपी कर रहा था अपने आईफोन का और SD कार्ड्स वगैरह का, ये सब काम होते निकलने का प्रोग्राम ये था कि शाम 7 बजे तक निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरे को लगता नहीं कि ये 1-1.5 घंटे से पहले सुधर जाएगा, क्योंकि अभी कपड़े भी पैक करने हैं और ये कैंपिंग का क्रेट भी रेडी करना है। मैं सोच रहा हूँ दोनों स्टोव लेके जाऊँ या एक लेके जाऊँ, तो मैंने सोचा दोनों ले जाए, साइड बाय साइड दोनों स्टोव यूज देंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। कैंपिंग का हमने सोचा अगर मौसम ने साथ दिया तो जरूर हम कैंपिंग करेंगे और फुल मौज करेंगे और आप सभी लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये सब सामान कर लेते हैं पैक और इसको रखते हैं गाड़ी में और फिर चलते हैं रोड ट्रिप पे। तो भाई फाइनली सारा सामान सिमट गया, बस ये एक बैग ले जाना बाकी है जो कि मैंने कल नया खरीदा था डिकैथलॉन से। तो ये मेरा लैपटॉप बैग है, कैमरा मैं यहीं छोड़ के जाने वाला हूँ, यहाँ मैंने रख दिया क्योंकि इसका थोड़ा काम सा खराब हो गया। तो क्या हालचाल? बढ़िया एकदम भाई, तैयार दोबारा बचा हुआ काम वापस करने जा रहे हैं। सही बात है, इसलिए वापस आए थे और जल्दी तो से जा रहे हैं। सारा सामान हो चुका है पैक, गाड़ी खड़ी है हमारी बाहर, बिल्लो 2.0 छोटी सी प्यारी सी हमारी गाड़ी, आइटन सारा सामान हमने इसके अंदर कर दिया, लोड जैसे तैसे घुसा दिया, थोड़ा आगे रख लिया थोड़ा पीछे रख लिया, यहाँ पे इधर सामान बाकी अभी तीसरा बंदा आ रहा है उसका सामान पता नहीं कहाँ जाने वाला और वो खुद कहाँ जाएगा। सही बात है, इस व्लॉग को ना यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन राइड सेफ, दिस इज बॉर्न टू राइड साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय। और हिंट दे देते हैं, जो भी राइड इनकम्प्लीट रह गई थी उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और बढ़िया से करके आएंगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। बोले बाय।